मैंने बस में थोड़ा सा चेंजेस किया, बस थोड़ा सा चेंजेस किया, इसका कलर थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल बना दिया, और बाकी बातें गैरेज से निकलने के बाद करते हैं। रुको, पहले गैरेज से निकलते हैं। यहाँ का जो वॉचमैन है वो हमें गैरेज के अंदर रहने नहीं देता बिल्कुल। कंप्लेन किया था बार बार, लेकिन ये पता नहीं क्या गाड़ियों से मेरी क्यों प्रॉब्लम है इतना जो। ओके दोस्तों, ये पीछे की तरफ देखना चाहता था लेकिन पीछे दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, बाकी ट्रकों में दिखाई देता है। अच्छा, तो काम की बातें करते हैं। ये रहा हमारा ओंटेरियो का मैप, और इसमें मैंने जो है एक काम करने को सोचा, एक वाटर डिलीवरी, जो कि बर्निंग फॉरेस्ट को जो है बचाया जा सके। देखो, पुटिंग आउट द फायर एट स्टेशन, हमें 6400 लीटर के दो टैंक चाहिए, और मैंने अभी उस जगह को एक्सप्लोर नहीं किया, इसलिए मैं सोचा क्यों बेकार में एक ट्रक लेके जाऊं, क्या होगा उस वाटर टावर में, कैसे जो है वाटर को ये करेंगे। इसके लिए मैंने एक बस लेने की कोशिश की, और स्नोलैंड के लंकेन बस कहते हैं ना इसे, श्रीलंका स्पेशल, तो मेरे श्रीलंका के जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत पसंद आता है ये बस। तो दोस्तों, चलते हैं पहले हमारे वाटर टावर के पास, और वहाँ देखते हैं कि आखिर वहाँ पे टैंक देता है या हमें खुद से टैंक लेके जाना पड़ेगा। अरे यार, क्या हो गया ये, इस तार में ना एक कलर दे देना चाहिए था, या फिर रेडियम दे देना चाहिए था, जिससे पता चले कि आगे कुछ तार वगैरह हैं। ओके दोस्तों, ट्रक को कुछ हुआ नहीं है वैसे, और मैं जो है अभी तक वो टाउन के यहाँ से, मैं दिखाऊंगा आपको आगे तो एक टाउन आता है, तो टाउन के आगे अभी तक नहीं गया, इसीलिए वो एरिया जो है अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, क्योंकि वहाँ पे कोई काम ही नहीं था, लेकिन आज आखिरकार वहाँ पे एक काम मिल ही गया। सो पहले वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कि वो जगह कैसा है, और वैसे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हैं। ये रहा हमारा टाउन तो आ गया, और इसका नाम एल्वेनी है शायद, वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड रखा हुआ है, अच्छी बात है। दोस्तों, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा ये वाला जो है, ये जेब्रा क्रॉसिंग के पास ये हम्प्स है, और मुझे मालूम नहीं था वैसे, जब गाड़ी थोड़ा सा हिला मतलब अप डाउन हुआ तब पता चला कि ये बस है। अच्छा हुआ यहाँ पे एक फ्यूल स्टेशन भी है, तो जिसने भी गेम बनाया पता था कि टाउन के पास एक पेट्रोल पंप होना चाहिए, सो इसने डाल दिया। और मैं जब खेलता था माइकी गेम, तो उसमें भी जो टाउन स्टोरेज है ना उसी के पास ही एक तो फ्यूल स्टेशन दे दिया। सही है, जो भी इसको डिज़ाइन किया है मतलब मानना पड़ेगा, लेकिन अभी तक तो सही चल रहा है। अरे यार, सही का नाम लिया और ये हमारे पास प्रॉब्लम हो गया। अब ये शायद फ्लड के वजह से आया है, थोड़ा पानी जो है यहाँ पे बह गया होगा, और उसके साथ मिट्टी भी लाया होगा, मुझे तो लगता है यहाँ से निकल जाएगा। अरे यार, इसका जो बम्पर है वो बिल्कुल वहाँ पे रुक जा रहा है, और व्हील बस घूम रहा है, और फिर भी मैं AWD ऑन किया हुआ हूँ, फिर भी नहीं काम दे रहा है। साइड से चलते हैं, पहले देखते हैं वहाँ साइड से होगा कि नहीं, मे भी साइड से हो सकता है। अरे एक बार फिर से, और ऐसा हुआ तो दोस्तों हम निकलेंगे कैसे, जगह बहुत ही आसान दिख रहा है लेकिन गाड़ी जाने में दिक्कत आ रही है। हो गया दोस्तों, और बस थोड़ा सा और। ओके, वैसे बस है बट ऑफरोडिंग के लिए एक अच्छी बस है। अभी मैं हाई गियर में चल रहा हूँ, लेकिन ऑटो में चलते हैं, ऑटो में ज़्यादा मज़ा आता है, जब फोर्थ गियर गिरता है तो एक्चुअल में हाई गियर में है जैसा लगता है। अभी देखो टर्न हो रहा है,
तो थोड़ा स्लिप हो रहा है। अरे अरे अरे, अच्छा तो ये वाला जगह था। ये जगह मैं बहुत बार जो है देखा, पहले तो देखा था लेकिन यहाँ पहुँचा नहीं था कभी। तो मैं सोच रहा था कि आखिर इसमें जो फोटो वोटो मतलब खींच रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो कहाँ पे है ये? एल्बनी रिवर के पास तो नहीं है, बट आखिरकार ये यहाँ पे है बोल के मुझे मालूम नहीं था। अभी मालूम चला तो सही बात है, मैं भी एक बड़ा सा ट्रक लेके आऊँगा और यहाँ पे फोटो खींच के एक पोस्ट कर दूँगा। अच्छा लगता है जब कोई नई जगह आप एक्सप्लोर करते हो, और वो भी जो पहले से एक्सप्लोर है दूसरों के। अच्छा तो यहाँ पे एक टर्न लेना पड़ेगा हमें। मैं तो सोच रहा था रोड के साइड में होगा, ये क्या कहाँ निकल गए हम। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा तो ये मे भी हाफली कंस्ट्रक्टेड है, बट वाटर तो मिल जाएगा यहाँ पे। अरे रुको, कैसे वाटर कैसे मिलता है देखते हैं। अच्छा नो टारगेट सिलेक्टेड बोलता है, इसका मतलब हमें चाहिए एक टंकी। तो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करते हैं दोस्तों इसको।